जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही होगी। आपको तैयारी इस बार इस प्रकार से करनी है कि एक सीट अपने नाम कंफर्म कर लेनी है। आज की क्लास में मैं आपको हिंदी का एक कंप्लीट सेट डिस्कशन कराऊंगा जो प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, और कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊंगा जहां से प्रश्न एग्जाम में आने की पूरी संभावना होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस पेपर की। तो ये पेपर आपका 1 फरवरी 2023 को फोर्थ शिफ्ट में आया है। इस पूरे क्वेश्चन को मैं डिटेल में एनालिसिस कराऊंगा। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं, और जो भी युवा साथी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है। निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित शब्द के विलोम शब्द का प्रयोग करके रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो इस वाक्य में देखिए रेखांकित शब्द कहाँ है, यहाँ आपका रेखांकित शब्द है, इसका विलोम शब्द आपको इस रिक्त स्थान पर भरना है। तो लिखा क्या गया है, स्याह। स्याह का विलोम शब्द अगर यदि आपको डायरेक्ट पता है तो यहाँ आप भर सकते हैं, नहीं पता है तो वाक्य को पढ़ेंगे। देखिए क्या बोला गया है, बादल से वर्षा की संभावना कम होती है। तो किस प्रकार के बादल से वर्षा की संभावना कम होती है, तो जब आसमान के बादल क्या हो, सफेद हो, तो वर्षा की संभावना कम होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। वर्षा की संभावना कब कम होती है, जब आसमान सफेद हो। ठीक है, आगे बोला गया है स्याह बादल वर्षा के परिचायक हैं। तो किस टाइप के बादल जो हैं वो वर्षा के परिचायक हैं, यानी कि काले बादल जो होते हैं वो वर्षा के परिचायक होते हैं। ठीक है, यानी कि स्याह का अर्थ क्या है, काला, यानी जब बादल काले होते हैं तभी वर्षा होती है, और जब बादल सफेद हो तो वर्षा की संभावना कम होती है। इस स्याह का अर्थ आपको क्या निकल के आ गया, काला। अब आप लोग स्टार्ट हो जाइए, इस काला का पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकता है। काला का पर्यायवाची शब्द आपका क्या होता है, कृष्ण होता है। कृष्ण भगवान भी काले हैं, इसलिए उसको हम पर्यायवाची शब्द के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कृष्ण हो जाएगा। और क्या क्या हो जाएगा आपका, सांवला। सांवला भी आपका काला का क्या है, पर्यायवाची शब्द है। आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा। सफेद का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है आप लोग बताएंगे। सफेद का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, श्वेत होता है। क्या होता है, श्वेत होता है। और क्या होता है, गोरा भी होता है। गोरा जो है आपका सफेद का पर्यायवाची शब्द है। और उजला भी हो सकता है, उजला भी आपका क्या है, सफेद का पर्यायवाची शब्द है। दुधिया भी, क्या, दुधिया भी आपका सफेद का पर्यायवाची शब्द है। आप इन सभी शब्दों को अच्छे से याद रखना है, हो सकता है कि पर्यायवाची शब्द के तौर पर सवालों को आपसे पूछ लिया जाए। चलिए अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 2, इसका आंसर करेंगे। यहाँ क्या पूछा गया है, सुंदरी के लिए पर्याय शब्द निम्न में से क्या होगा। सुंदरी का आपको पर्यायवाची शब्द पूछा गया है, सुंदरी का पर्यायवाची शब्द क्या क्या होता है, सबसे पहले आप इसको जान लीजिए। तो सुंदरी का पर्यायवाची शब्द देखिए क्या होता है, सुंदरी का पर्यायवाची शब्द सुलोचना होता है। क्या होता है, सुलोचना। आप इन सभी शब्दों को अच्छे से याद रखना है, ठीक है, सुलोचना होता है। और क्या क्या होता है, सुंदरी का पर्यायवाची शब्द सुदर्शना भी होता है। क्या होता है, सुदर्शना जो है ये सुंदरी का पर्यायवाची शब्द है। ठीक है, और सुंदरी का क्या क्या पर्यायवाची शब्द हो सकता है, तो आपका गोरी भी होता है। क्या होता है, गोरी जो है ये भी आपका सुंदरी का पर्यायवाची शब्द है। हसीना भी आपका क्या है, सुंदरी का पर्यायवाची शब्द है। तो ये सभी जो है सुंदरी के पर्यायवाची शब्द हैं। तो आपके ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, तो आपके ऑप्शन में दिया हुआ ये सुदर्शना। तो सुदर्शना इसका सही आंसर हो जाएगा, सुदर्शना जो है वो सुंदरी का पर्यायवाची शब्द है। आई होप क्लियरली ये सभी सवाल समझ में आ गया होगा। इन सभी जो एक्स्ट्रा चीजें मैं बता रहा हूँ इसको आप जरूर नोट करते चले जाएं। अब इस देखिए ऑप्शन नंबर 1 में आपको लिखा क्या, भामा, और 3 में क्या लिखा है, वनिता। तो ये दोनों जो है किसके पर्यायवाची शब्द हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, तो भामा और वनिता जो है वो स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। दोनों ध्यान रखिएगा, भामा और वनिता जो है वो स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। स्त्री के और क्या क्या पर्यायवाची शब्द होता है, महिला होता है, बहुत ही आसान है, महिला होता है, नारी होता है, क्या होता है, नारी, और क्या होता है, अबला भी होता है। क्या होता है, अबला जो है वो स्त्री का पर्यायवाची शब्द है। तो मेनली आपको ये दोनों याद रखना है, ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, भामा और वनिता, ये दोनों जो है वो स्त्री के पर्यायवाची शब्द हैं। आई होप क्लियरली समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा, और जो भी नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब इस सवाल को देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या पूछा गया है, जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो वाक्यांश में से सही शब्द क्या होगा। तो जिस स्त्री के पुत्र और पति ना हो उसको एक शब्दों में क्या कहेंगे, तो उसका सही आंसर हो जाएगा अवीरा। उसको क्या कहेंगे, अवीरा कहेंगे, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों ना हो। ठीक है, अब ऑप्शन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ, सधवा। सधवा, सधवा का अर्थ क्या होता है, तो जिस स्त्री का पति जीवित हो। आप यहां लिख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, जिस स्त्री का पति जीवित हो, पति क्या हो, जिस स्त्री का पति जीवित हो उसको क्या कहेंगे, सधवा कहते हैं। क्या कहते हैं, सधवा कहते हैं। इसको आप स्टार मार के नोट कर लीजिएगा, सवाल यहां से एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है,
कबीरा, कबीरा का अर्थ क्या होता है? कबीरा का अर्थ आप लोग बताएंगे जो साहस को बढ़ाता हो, जो क्या हो, साहस को यानी हिम्मत को बढ़ाने का काम करता हो उसको क्या कहेंगे? कबीरा। ठीक है, साहस को बढ़ाता हो। अब इन सभी बातों को क्या कीजिएगा, नोट जरूर कर लीजिएगा, सवाल एक्स्ट्रा पॉइंट से आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और विधवा का अर्थ तो आप लोग को पता होगा, विधवा किसको कहते हैं? जिस स्त्री का पति मर चुका हो उसको क्या कहते हैं? विधवा कहते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 4। 4 का आंसर आप लोग करेंगे। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, बरसात के 4 महीने वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द क्या होगा। तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, बरसात के 4 महीने, तो इसका आंसर 2 मारेंगे, क्या मारेंगे? 4 मासा मार सकते हैं, ठीक है, और 4 मासा मार सकते हैं। ये दोनों में कंफ्यूजन बना रहेगा, 4 महीने, बरसात के 4 महीने को क्या कहते हैं? तो 4 मासा कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। तो 4 मासा किसको कहते हैं? ठीक है, तो 4 महीने के समूह को, ठीक है, 4 महीनों के समूह को क्या कहते हैं? 4 मासा कहते हैं, 4 महीने के समूह को, ठीक है, ध्यान में रखिएगा, उसको क्या कहते हैं? 4 मासा। और 4 मासा किसको कहते हैं? बरसात के जो 4 महीना होता है उसको 4 मासा कहते हैं, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, 12 मासा किसको कहते हैं? 12 महीने के समूह को क्या कहेंगे? 12 मासा कहेंगे। ठीक है, इस इन दोनों बातों को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, इन दोनों बातों को। ठीक है, अब अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सुबह में आपका प्रीवियस ईयर का रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है, अगर यदि आप देखना चाहते हैं जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी टाइप के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ, आप वहां विजिट करके पूरा क्लास देख सकते हैं। अब इस सवाल को देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य में किस खंड में अशुद्धि है, ये आपको चयन करना है। क्या लिखा गया है? महादेवी वर्मा बड़ी दिव्य कवित्री थी, तो इसमें गलती कहाँ है? ठीक है, गलती आपके सामने यहाँ दिख रहा है कवित्री, तो सही क्या होना चाहिए? कवित्री जो है, ये जो लिखा गया है ये कवित्री गलत लिखा गया। ठीक है, तो सही कवित्री का रूप क्या होना चाहिए? तो वर्तनी में इसमें गलती है। देखिए कवित्री किस प्रकार से लिखा जाएगा, त्रा में जो है मात्रा जो होगा वो बड़ी ई की मात्रा होगा, कवित्री इस प्रकार से लिखा जाएगा। ठीक है, तो ये आपका शुद्ध वर्तनी है, तो गलती किस खंड में है? कवित्री में है, इसलिए इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, आपको मैं एक सवाल देता हूं जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्या कि इस पुस्तक, हम लिखते हैं एक प्रश्न, इस पुस्तक के रचयिता कौन है, इस पुस्तक के रचयिता कौन है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखिएगा, ये क्या लिखा गया है, इस पुस्तक के रचयिता कौन है, इस वाक्य में कहां अशुद्धि है और शुद्ध क्या होना चाहिए, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, मैं इतना हिंट कर देता हूं इसमें वर्तनी में गलती है, इतना मैं आपको बता दिया हूं, और कहां गलती है और सही क्या होना चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर आपको बताइएगा, ये भी सवाल आपके एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इस प्रश्न का आंसर करिए। देखिए इसमें क्या पूछा गया है, रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो बात कही वह रिक्त स्थान है, आने सही है। नीचे क्या लिखा गया है, उपरोक्त वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति उचित मुहावरे द्वारा कीजिए, यानी कि ये खाली स्थान पर आपको मुहावरा भरना है, सही मुहावरा क्या होना चाहिए, तो एक बार फिर से पढ़ेंगे, रीता ने समीर के स्वभाव यानी नेचर के बारे में जो बात कही वह आने सही है, तो कितने आने सही है, 16 आने सही है, यानी पूरी तरीके से सही नहीं है, यानी कि रीता ने समीर के स्वभाव के बारे में जो कहा वो क्या कहा, कि ये जो है अपने बातों पर कायम नहीं रहता है, अपने बातों पर कायम ना रहना उसको क्या कहेंगे, 16 आने सही। ठीक है, क्या कहेंगे, 16 आने सही, तो किसी एक बात पर कायम ना रहना, मैं यहां लिख देता हूं, किसी एक बात पर कायम ना रहना उसको क्या कहेंगे, 16 आने सही, यानी पूरा सही नहीं है, 16 आना सही है, और 16 आना ये क्या है, मुहावरा है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। मैं आपको एक और प्रश्न देता हूं, क्या अंत ना पाना मुहावरा है, क्या है, अंत ना पाना इस मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में आने की संभावना पूरी है, क्या है, अंत का ना पाना यानी रहस्य ना जान पाना। ठीक है, रहस्य ना जान पाना मुहावरे का ये सही अर्थ है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा, इसका सही अर्थ क्या हो जाएगा, रहस्य ना जान पाना, अंत ना पाना, ये आप जरूर नोट कर लीजिएगा, इस टाइप के प्रश्न एग्जाम में आते हैं। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 7, ये भी देखिए काफी मजेदार सवाल है, क्या पूछा गया है, निम्न वाक्य में रेखांकित अंश के लिए उचित मुहावरा दिए गए विकल्पों में से चुनिए, तो ये जो रेखांकित अंश है इसके लिए क्या मुहावरा होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया है, तो क्या लिखा गया है, बेटा अच्छे अंकों से पास हो गया,
माँ के मन को शांति मिली। ठीक है, बेटा जो है अच्छे अंकों से पास हो गया इसलिए माँ के मन को शांति मिली। मन को शांति मिलना किस मुहावरे का अर्थ है? यानी कलेजा ठंडा होना, मन को शांति मिलना। ये टेंशन मन में बना हुआ था कि मेरा बेटा जो है अच्छे अंकों से पास होगा कि नहीं, लेकिन जब अच्छे अंकों से बेटा पास हो गया तो उसकी माँ के मन को शांति मिली, यानी उसकी माँ के कलेजे को ठंडक मिली। ठीक है, ऑप्शन नंबर एक इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अब देखिए ऑप्शन नंबर दो में क्या लिखा हुआ है, कलम तोड़ना। इस ये भी क्या है, मुहावरा है। कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? बहुत अच्छा लिखना। क्या होता है? बहुत अच्छा लिखना। ये आप जरूर नोट करते जाइएगा क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छा लिखना। जब आपको लिखने में काफी मजा आता है तो लिखते लिखते पेन भी टूट जाता है, तो क्या बोलते हैं, कलम तोड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा? बहुत अच्छा लिखना। तीसरा में क्या लिखा गया है, कली खिलना। ये भी मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होगा? खुश होना। क्या होता है? खुश होना। कली खिलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? खुश होना। आई होप क्लियर समझ में आया होगा। चौथा क्या है, कांटा दूर होना। कांटा दूर होना ये भी क्या है, मुहावरा है, इसका अर्थ क्या होता है? बाधा दूर होना। बाधा दूर होना, सपोज मान लीजिए कि आपकी नौकरी लग जाती है, ट्रेनिंग होती है, या फिर सर्विस के दौरान कोई ऐसा ऑफिसर जो आपको बहुत ही तंग करता हो, परेशान करता हो, और अगर यदि उसका तबादला हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, तो आप क्या कहेंगे, कांटा दूर हो गया, यानी मेरा बाधा दूर हो गया। ठीक है, जिससे हमको परेशानी थी, तो ये हो गया आपका कांटा दूर होना। अब इन सभी पॉइंट को जरूर याद रखिएगा, यहाँ से भी एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं। अब अगले सवाल पर आते हैं हम, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 8 इसका आंसर करेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया है, जयेश ने खाना खाया। ठीक है, नीचे बोला गया है उपरोक्त वाक्य का अपूर्ण वर्तमान काल में रूपांतरण क्या होगा। यानी अपूर्ण वर्तमान काल में क्या होता है, यानी कि जो वर्तमान में समय चल रहा हो, वर्तमान में जो चल रहा है उसमें आपको क्या करना है, इस वाक्य को लिखना है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखा है, जयेश ने खाना खाया। ये आपका जो किसमें है, सामान्य भूतकाल लिखा हुआ है। ठीक है, सामान्य भूतकाल में ये वाक्य आपको दिया हुआ है, भूतकाल में। भूतकाल क्या होता है, जो काम समाप्त हो चुका हो। तो ये जयेश ने खाना खाया, यानी जयेश ने खाना खा लिया है, तो ये सामान्य भूतकाल है। इसको आपको किसमें बदलना है, अपूर्ण वर्तमान काल। अपूर्ण वर्तमान काल को इंग्लिश में, अगर ये टेंस आप लोग पढ़े होंगे, इंग्लिश में क्या कहते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस बोलते हैं। इतना अगर यदि आपको पता होगा तो इस सवाल को आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस मतलब अभी वर्तमान में चल रहा हो और चलता ही चल रहा हो। ठीक है, तो यहाँ है जयेश ने खाना खाया, तो अपूर्ण वर्तमान काल क्या होगा, जयेश खाना खा रहा है, अभी खाना खा ही रहा है। ठीक है, वर्तमान में है लेकिन खा ही रहा है, अपूर्ण है, पूरा नहीं हुआ, खाना खा रहा है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। आई होप समझ में आया होगा, अच्छे से समझा पाए होंगे। अगले सवाल पर आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और जो भी नए हैं चैनल को आप जरूर साथ में सब्सक्राइब कीजिएगा। अब यहाँ क्या बोला गया है, निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य है, इनमें से कौन सा अशुद्ध है, ये आपसे पूछा गया है। तो ऑप्शन नंबर 4 से पढ़िए, क्या बोला गया है, मोहन श्याम की अपेक्षा सिस्टर है। तो सिस्टर ये क्या होता है, मोहन जो है श्याम की अपेक्षा शिष्ट होना चाहिए, तो ये वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तीसरा क्या लिखा हुआ है, मोहन श्याम की अपेक्षा लिखा हुआ है, जबकि होना क्या चाहिए, अपेक्षा। ये भी आपका क्या हो गया, गलत हो गया। दूसरा क्या लिखा हुआ है, मोहन श्याम की अपेक्षा शिष्ट है, ये तो सही है, लेकिन ये शिष्ट जो लिखा है ये आपका गलती है। शिष्ट में आपका तालेब सा होना चाहिए, न कि मूर्धन सा। ठीक है, शिष्ट इस प्रकार से होना चाहिए। तो कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में, तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 में देखिए इसमें क्या पूछा गया है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द अनेकार्थी है। तो मुद्रा जो है आपका, जिसको मनी बोलते हैं, रुपया बोलते हैं, पैसा बोलते हैं, ये सब क्या है, आपका अनेकार्थी शब्द है, ये इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, ये देखिए काफी बहुत ही बढ़िया सवाल है ये। इसमें क्या आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित वाक्य के लिए एक सार्थक शब्द क्या होगा। एक सार्थक शब्द यानी कि क्या लिखा गया है, जो इच्छा के अधीन हो, जो इच्छा के अधीन हो उसको एक शब्दों में क्या कहेंगे। तो जो इच्छा के अधीन हो उसको क्या कहेंगे, ऐच्छिक कहेंगे। सबसे पहले आप समझिए इच्छा के अधीन क्या मतलब, जो आपकी इच्छा पर डिपेंड करता हो। अगर आपकी इच्छा हो हाथ अगर ऊपर उठाना, तो आपकी इच्छा पर, अगर चाहेंगे तो ही उठेगा, नहीं चाहेंगे तो नहीं उठेगा। तो यही बोलते हैं क्या, इच्छा के अधीन होना यानी ऐच्छिक। और अगर यदि ये एक और एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे लिखा मैंने क्या, दिल का धड़कना। दिल का धड़कना ये कौन सी क्रिया है, ठीक है, दिल का धड़कना। ठीक है,
तो ये आपका क्या है, अनैच्छिक है, ये आपके इच्छा के अनुसार नहीं होता है। ठीक है, जो इच्छा के अनुसार नहीं हो उसको अनैच्छिक कहते हैं, और जो इच्छा के अधीन हो उसको ऐच्छिक कहते हैं। दिल देखिए आपके इच्छा के अनुसार नहीं धड़कता है, वो कंटिन्यूअसली धड़कते रहता है, अगर आप चाहेंगे तब धड़केगा, तो ऐसा संभव नहीं है। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, अनैच्छिक है, और ये जो इच्छा के अधीन है उसको क्या कहेंगे, ऐच्छिक कहेंगे। समझ में आ गया होगा। अब यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर एक में आंशिक लिखा हुआ, आंशिक मतलब क्या होता है, कम मात्रा में, कम मात्रा को क्या कहेंगे, आंशिक कहते हैं। ठीक है, कम मात्रा में जो है उसको क्या कहेंगे, आंशिक कहेंगे। अगला आपका क्या, अमानत, अमानत किसको कहेंगे, जब कोई कीमती वस्तु कोई व्यक्ति आपके पास रख दे तो उसको क्या कहेंगे, अमानत कहेंगे, जो किसी समय के लिए हो उसको क्या कहेंगे, अमानत कहेंगे। और आशातीत किसको कहेंगे, आशातीत किसको कहेंगे, तो जो आशा से परे हो, जो आशा से परे हो उसको क्या कहेंगे, आशा से परे हो उसको आशातीत कहेंगे। ठीक है, जिससे हम उम्मीद नहीं कर सकते, आशा नहीं कर सकते हैं, उसको क्या कहेंगे, आशातीत, यानी आशा से परे। आई होप यहाँ तक क्लियरली ये सवाल समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 12, इसको देखिए, इसमें क्या पूछा गया है, कौन से विकल्प में कर्मशः अकर्मक और सकर्मक क्रिया का सही युग्म दिया गया है। तो सबसे पहले आप समझिए कि अकर्मक किसको कहते हैं और सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। तो अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, जिसमें क्रिया का बोध कर्ता पर हो, जैसे राम खेलता है, क्या बोले, राम खेलता है। यहां मैं समझा रहा हूं कि किसको अकर्मक क्रिया बोलते हैं, किसको सकर्मक क्रिया। ठीक है, राम खेलता है, ठीक है, तो खेलने का काम कौन कर रहा है, राम कर रहा है, और राम क्या है आपका, राम आपका कर्ता है, यहाँ क्या है, राम कर्ता है। तो खेलने का प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता पर पड़ रहा है, इसलिए इसको क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। दूसरे शब्दों में समझ सकते हैं कि जिस वाक्य में आपका कर्म नहीं हो उसको अकर्मक क्रिया कहते हैं, और समझ सकते हैं कि जिसमें क्रिया का बोध कर्ता पर पड़े उसको क्या कहेंगे, अकर्मक क्रिया। अब यहाँ देखिए सकर्मक क्रिया समझिए, सकर्मक क्रिया एग्जाम्पल से समझाते हैं आपको, राम आम खाता है, क्या, राम आम खाता है। ठीक है, ये आप एग्जाम्पल हम लिए, ये आपका कैसा एग्जाम्पल है, ये सकर्मक क्रिया है, कैसे, ये राम क्या है, यहाँ राम आपका करता है, ठीक है, राम करता है, और क्रिया कौन सा है, खाना, खा रहा है, तो ये आपका क्या है, क्रिया। तो क्रिया का यहाँ प्रभाव किस पर पड़ रहा है, क्रिया का, राम क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो खाने का प्रभाव आपका आम पर पड़ रहा है, तो आम यहाँ क्या हो गया, कर्म हो गया। ठीक है, तो क्रिया का प्रभाव यहाँ किस पर पड़ रहा है, कर्म पर, कर्ता पर नहीं पड़ रहा है, कर्म पर पड़ रहा है, इसलिए आपका क्या हो गया, सकर्मक क्रिया। और यहाँ क्रिया का प्रभाव कर्ता पर पड़ रहा था, इसलिए आपका क्या है, अकर्मक क्रिया। आई होप क्लियरली समझ में आ गया होगा, सकर्मक क्रिया किसको कहते हैं और अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं। अब ऑप्शन पर आइए, गिरना, देखिए क्या लिखा हुआ है, गिरना, तो एग्जाम्पल में कैसे फिट कर सकते हैं, कुएं में गिरना, क्या बोलेंगे, कुएं में गिरना। तो गिरना यहाँ देखिए कोई यहाँ है क्या, कर्म है, नहीं है, तो ये आपका क्या हो गया, अकर्मक। तो यहाँ आपको कर्मशा जो बोला इसके अकॉर्डिंग होना चाहिए, पहले अकर्मक फिर सकर्मक। अब देना, देना को किस प्रकार से एग्जांपल सेट कर सकते हैं, तो प्राणों की आहुति देना या प्राणों की बलिदान देना, प्राणों की बलिदान देना, ठीक है, बलिदान देना, ये यहाँ एक एग्जाम्पल लिए समझाने के लिए, प्राणों की बलिदान देना। तो यहाँ देना आपका क्या है, क्रिया है, ठीक है, और क्या दे रहे हैं, तो बलिदान दे रहे हैं, ठीक है, प्राणों की बलिदान दे रहे हैं, तो यहाँ आने की ये इसमें कर्म है, तो कर्म जब है तो क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, इसलिए इस अकॉर्डिंग इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा। आई होप क्लियर समझ में आ गया होगा, फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं डिटेल में और बताने का कोशिश करूंगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, इसका आंसर करेंगे, क्या लिखा गया है, सुजय राघव को पुस्तक दिया। अब इसमें गलती कहाँ है ये आपको छाटना है, ठीक है, सुजय राघव को पुस्तक दिया ये लिखा गया, तो इसमें कारक का गलती, क्या गलती है, कारक का, इतना मैं बता दिया हूं, अगर अगर दिमाग लगा पाते हैं तो इसका आंसर कर सकते हैं, क्या है, सुजय राघव को पुस्तक दिया, तो कारक वो भी कौन सा कारक, कर्ता कारक का गलती है, तो सही क्या होना चाहिए, सुजय जो है, सुजय ने राघव को पुस्तक दी, सुजय ने राघव को पुस्तक दी, ये लिखा हुआ है, सुजय ने राघव को पुस्तक दी, ये इसका शुद्ध रूप होगा। तो ये जो ने है ना, ये ने आपका क्या है, कर्ता कारक है, आप लोग कारक पढ़े होंगे तो पता होगा ये क्या है, कर्ता कारक है, कर्ता ने कर्म को, करण से ये होता है, तो ने जो है ये कर्ता कारक है, यही इसमें एरर था जो कि ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, यही इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, इसको समझिए, यहाँ क्या बोला गया है, निम्नलिखित वाक्य में रेखांकित एकार्थी शब्द युग्म का उपयुक्त अर्थ बताएं। लिखा है हमारे गाँव में पीपल के सप्त सप्त पेड़ हैं। अब देखिए दोनों लिखा है सप्त सप्त, एक में तालिब सा है, एक में मूर्धन सा है, अब आपको बताना इन दोनों का अर्थ क्या होगा, तो ये दोनों का अर्थ जो है अलग अलग है, ध्यान रखिएगा, सप्त का अर्थ क्या हो गया आपका, सापित, सप्त का अर्थ क्या हो गया, सापित हो गया,
और सप्त मतलब जो सप्ताह का सप्त होता है यानी कि सात, इसको कहेंगे क्या कहेंगे सात। तो सप्त सप्त का अर्थ क्या हो गया सापित और सात, ऑप्शन नंबर एक इस सवाल का सही जवाब हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 15 इसका आंसर करेंगे। देखिए इसमें क्या बोला गया है, आधुनिक लोग गोबर को कम महत्व देते हैं, उपरोक्त वाक्य में गोबर के बदले आप कौन सा शब्द प्रयोग करेंगे। तो देखिए यहाँ आपको तत्सम और तद्भव का खेल है। सबसे पहले आप समझिए कि तत्सम शब्द किसको कहते हैं, ठीक है तत्सम थोड़ा सा समय मैं लेना चाहूंगा लेकिन आपको समझ में आ जाएगा कि तत्सम किसको कहते हैं और तद्भव किसको कहते हैं। तत्सम शब्द वैसे शब्द को कहते हैं जो संस्कृत में प्रयोग होता है, ठीक है जो संस्कृत में है उसके मूल रूप में के रूप में ही हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे ताम्र हो गया, समझिएगा एग्जाम्पल से, ताम्र जो है ये संस्कृत शब्द है लेकिन इसका भी हम लोग प्रयोग करते हैं, तो ये आपका क्या हो गया तत्सम शब्द है। जो मूल रूप में हो, जो शब्द मूल रूप में हो उसको तत्सम शब्द कहते हैं। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं हस्त, हस्त भी क्या है ये संस्कृत शब्द है लेकिन इसका मूल रूप है, ये क्या है मूल रूप में। और तद्भव किसको कहते हैं, तद्भव, ठीक है तद्भव किसको कहेंगे, तो वैसे शब्द जो संस्कृत से हिंदी में रूपांतरित करके प्रयोग में लाया जाता है उसको क्या कहते हैं तद्भव कहते हैं। अब इसी का समझिए, ताम्र, ताम्र को हिंदी में क्या लिखते हैं तांबा लिखते हैं, क्या लिखते हैं तांबा, तो ये ताम्र का रूपांतरित रूप है, तो जो ओरिजिनल फॉर्म में है उसको तत्सम और जो रूपांतरित रूप करके हिंदी में लिखा गया है उसको तद्भव कहते हैं, ठीक है। अब ये हस्त है, हस्त का रूपांतरित रूप जो तत्सम तद्भव होगा वो क्या होगा हाथ होगा, हाथ, ठीक है। तो ये हाथ हम लोग हिंदी में प्रयोग करते हैं, एक्चुअली ये संस्कृत शब्द हस्त का ही रूपांतरित रूप है जिसको हम लोग क्या कहते हैं तद्भव कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए प्रश्न में आप समझिए, अब गोबर, गोबर के बदले कौन सा शब्द आएगा, तो ये गोबर जो है ये आपका तद्भव शब्द है, हिंदी में रूपांतरित करके ये लिखा गया है, तो इसका सही शब्द क्या होगा गोमय हो जाएगा। गोमय क्या है, ये तत्सम शब्द है जो संस्कृत शब्द है, ठीक है इसको आप समझिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चार इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप ये दोनों शब्द तत्सम और तद्भव आपका क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर, नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ से आपका स्टार्ट होता है क्या पैसेज। यहाँ पैसेज में आपको टारगेट रखना है कि पांच में से पांच आपको करेक्ट कर देना है। अब कैसे करेक्ट करेंगे वो देखिए, मैं यहाँ बिना ऑप्शन के भी सवालों को सोल्व कर सकता हूँ, इतना आपका एग्जाम में आसान पैसेज आएगा जो आसानी से आप स्कोर कर सकते हैं पांच में से पांच। अब यहाँ आप समझिए क्या बोला गया है, यहाँ से आप डायरेक्ट हम पैसेज पढ़ते हैं, देखिए क्या लिखा गया है, भारत कृषि प्रधान ब्लैंक है, तो भारत कृषि प्रधान क्या है, तो भारत एक क्या है कृषि प्रधान देश है, ठीक है भारत कृषि प्रधान क्या है देश है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका देश हो जाएगा, ठीक है। भारत जो है कृषि प्रधान क्षेत्र नहीं होगा, नगर नहीं होगा, राज्य नहीं होगा, क्या है कृषि प्रधान देश है। आगे भी अगर पढ़ते जाएंगे तो देखिए क्या लिखा गया है, यहाँ भी अधिकांश जनता करती है, तो यहाँ भी यानी कि भारत जो कृषि प्रधान देश है यहाँ की अधिकांश जनता क्या करती है, तो यहाँ की अधिकांश जनता जो है वो खेती करती है, क्या करती है खेती, यहाँ एकदम प्रयुक्त शब्द होना चाहिए, ठीक है क्या होगा खेती प्रयुक्त शब्द होना चाहिए। आगे भी देखिए क्या लिखा गया है, कृषि ही उसकी जीविका का साधन है, कृषि ही जो है वो क्या है उसकी जीविका का साधन है, उसी पर वो लोग अपना जीवन यापन करते हैं और यही व्यवसाय है, और यही इन लोगों का क्या है कृषि ही इन लोगों का व्यवसाय है बिजनेस है। आगे क्या लिखा गया है, कृषक आज भी में रहता है, तो कृषक आज भी कहाँ रहता है, कृषक मीन्स क्या होता है किसान होता है, कृषक मीन्स किसान, किसान जो है अभी भी कहाँ रहता है, तो किसान शहरों में रहता नहीं है, तो किसान अभी भी कहाँ रहता है गांव में रहता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा गांव। देखिए बिना ऑप्शन को मैं फिल कर रहा हूँ, आगे मैं आपको पूरा कंप्लीट बताऊंगा। इसको सबसे पहले इस पैसेज की थीम को आप समझिए, आगे देखिए क्या लिखा गया है, यद्यपि कुछ दशकों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत किसान अपना व्यवसाय छोड़कर की ओर भाग रहे हैं, अभी मतलब कुछ दशकों से यह देखा जा रहा है कि भारत का किसान जो है अपना व्यवसाय यानी कृषि जो है खेती जो करते हैं उसको छोड़कर किधर जा रहे हैं, तो शहरों की ओर जा रहे हैं कमाने के लिए, क्योंकि कृषि से उतना उसको आय प्राप्त नहीं हो रहा है जिससे अपना जीवन यापन जीविका चला सके, इसलिए भारत के किसान दशकों से देखा जा रहा है कि वो शहरों की ओर जा रहे हैं कमाने के लिए, ठीक है तो यहाँ क्या हो जाएगा शहरों हो जाएगा। आगे फिर देखिए, फिर भी नगर और गाँव के बीच की भूमि पर आज भी होती है, लेकिन फिर भी जो किसान जो गाँव छोड़कर शहरों की ओर जा रहे हैं, फिर भी जो कुछ गांव और नगर के बीच की जो भूमि है वहां आज भी होती है, वहां आज भी क्या होती है खेती होती है, खेती अभी भी हो रही है, ऐसा नहीं कि सभी किसान जो है पलायन कर गए हैं शहरों की ओर, अभी भी कुछ किसान हैं जो खेती कर रहे हैं। तो ये इस पैसेज का थीम था जो कंप्लीट मैंने बिना ऑप्शन के आपको सारा बता दिया, अब आगे देखते जाइए और समझते जाइए, ठीक है। 17 नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि दूसरा नंबर, यहाँ मैंने बता दिया यहाँ की अधिकांश जनता करती है, क्या करती है खेती, मैंने पहले बता दिया खेती करती है। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 18,
फटाफट इसको निकाल देंगे। यहाँ क्या है, कृषि ही उसकी जीविका का साधन है, यानी जीने का साधन कृषि है और यही उसका व्यवसाय है। कृषक आज भी यानी किसान आज भी में रहते हैं, कहाँ रहते हैं, गाँवों में रहते हैं। पहले मैंने बता दिया किसान अभी भी कहाँ रहते हैं, गाँवों में। अब देखिए 19 नंबर, इसमें क्या बोला गया है, यद्यपि कुछ दशकों से यह दिखाई दे रहा है कि भारत का किसान अपना व्यवसाय छोड़कर की ओर भाग रहे हैं। तो व्यवसाय अपना छोड़कर किधर भाग रहे हैं, शहरों की ओर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं पैसे कमाने की तलाश में, ठीक है, अपनी जीविका चलाने की तलाश में। अब अगले देखिए क्वेश्चन नंबर लास्ट में 20 नंबर, इसमें देखिए क्या है, फिर भी गांव और गांवों के बीच की भूमि पर आज भी होती है, क्या होती है, खेती होती है। मैंने पहले बता दिया, सबसे पहले पैसेज का थीम समझ जाइए तो आप एक मिनट से भी कम समय में पांचों क्वेश्चन को मार्क कर सकते हैं। तो ये सारा 20 क्वेश्चन मैंने डिस्कशन आपको करा दिया, पूरा डिटेल में आपको सारा मैंने बताया, जहां एक्स्ट्रा चीजें बताने की थी वहां मैंने आपको एक्स्ट्रा चीजें भी बताई, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सवाल आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, आपको और क्लास चाहिए कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं आपके लिए क्लास बनाता रहूंगा। और जो भी युवा साथी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ये चैनल आपका छोटा है लेकिन आपको कंटेंट और जो पढ़ाई है पूरा आपको एकदम 100 कैरेट, आपको 24 कैरेट का आपको खड़ा सोना पढ़ाई मिलेगा, जो आपको एग्जाम में बहुत ही हेल्प करेगा, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को समाप्त करते हैं, जय हिंद।